दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके वाले यहाँ क्या लेने आते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये दहेज में तुम्हारी ससुराल वालों ने इन्हें भी गिफ्ट किया था क्या? जब देखो सले आता है मुंह उठाए, जीजी से मिलना है, जीजी से मिलना है। हॉस्टल जाते समय भी एक रात रुकना है, आते समय में भी हद है। ललिता अपने बेटे सौरभ से बोली, कितने बार तो इन डायरेक्टली कह चुका हूँ माम है। सौरभ बोला, कुछ देर बाद मानस, यार एक बात बताओ, दिल्ली को तो डायरेक्ट ट्रेन है पर तुम हमेशा जर्नी ब्रेक करते हो। पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक एक दिन कीमती होता है। मानस समझ गया जीजाजी के इशारे को, आंखों में आए आंसुओं को सलकने न दिया और कुछ देर में ही जीजी कुछ काम पड़ गया है, मुझे अभी जाना होगा। बैग कंधे में डाल कर मानस बोला, अरे अभी तो आए हो, साई नाश्ता तो कर लो भाई। और ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो आने के आधे घंटे में ही जा रहे हो? राशि बोली, पर मानस रुका नहीं ही और सले गया। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल में नाश्ता करते समय, अरे बहू अपने भाई को भी बुलवा लो, अंदर कमरे में नाश्ता नहीं बाहर सब के साथ करने को बोलो, व्यंग्यात्मक लहजे में ललिता बोली। मम्मी जी भाई कहाँ अंदर नाश्ता कर रहा है, वो तो आधे घंटे पहले ही बिना नाश्ते ये सले गया। राशि बोली, सले गया? सौंक कर सभी बोले, अरे पर वो तो अभी आया ही था। सौरभ बोला, मुझसे आकर बोला दी बहुत जरूरी काम पड़ा है, मैं जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। सौरभ के मन में गल्लाने का भाव था, क्यों वो माँ की बातों में आकर मानस से बोल बैठा, वो भी तो अपनी दी से मिलने जब मन होता है सले जाता है। क्या सोच रहा होगा मानस उसके बारे में? उफ, पर तीर तो कमान से निकल चुका था। उसने मानस को फोन मिलाया पर मानस ने उठाया नहीं। कुछ दिनों बाद गांव से मामा जी हर वर्ष की तरफ नानी को लेकर आए। अब नानी महीना भर यहीं रहेगी, नानी हमेशा जाड़ों में रहने आती हैं। आज ये देख सौरभ परेशान हो उठा, क्योंकि पापा ने तो कभी मामा जी या नानी को नहीं टोका पर उसने तो एक पढ़ने वाले बच्चे से जो ज्यादा नहीं एक रात के लिए ही वहां आता था। सौरभ ये बात राशि से भी शेयर।
नहीं कर पा रहा था कि उससे व्यवहार के कारण ही मानस सरा गया। कुछ ही दिनों बाद सौरभ, मुझे किसी काम से रेलवे स्टेशन आना है, अभी आती हूँ, ये कहकर राशि रिक्शे में बैठ चले गई। अरे बेटा, ये बहू सुबह सुबह रिक्शे में बैठ कहाँ गई? माँ, वो रेलवे स्टेशन तक गई है आधे घंटे बाद। राशि ढेर सारा सामान लेकर वापस आती है। राशि, ये इतना सामान लेकर कहाँ से आ रही हो? ललिता बोली। सौरभ भी वहीं पर खड़ा था। मम्मी जी, आज मानस की वापसी थी। मम्मी पापा, मैं उसके हाथ सामान भेजा था, मैं उससे मिल भी आई और सामान भी ले आई। आज वो घर क्यों नहीं आया बहू? मम्मी जी, पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए एक एक दिन कीमती है, क्या करेगा वो यहाँ आकर? तो मैंने सोचा मैं खुद ही मिल आती हूँ, और जो सामान मम्मी पापा ने भेजा है वो भी ले आती हूँ। ये सुनकर सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ राशि ने कहा दिया था। दोस्तों, अक्सर बहू के मायके से आए लोगों को देखकर ससुराल वाले नाक भोए सड़ा लेते हैं। सासू माँ के मायके से साए कितने लोग आ जाए, पर बहू के मायके से आने पर दहेज में आए हैं कहा जाता है। और अपनी छोटी सोच का परिचय दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।